Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anesthesia by Dr. Sarath Chandrakar. Yes, he is my very very close friend. He is MD anesthesia from Delhi, DM critical care medicine from Enfrischigas and Edith Germany. Dr. Sarath, very warm welcome to all of you at our beautiful platform. Thank you Sikand, thank you. It's a pleasure to be here for you. So we are starting without the delay our question answer session. याद रखिए दोस्तों, ये session हमारा NEET PG exam के लिए है, हमारे प्यारे बच्चों के लिए है. इसे हमने नाम दिया हुआ है TYQ session, जिसमें हम previous year question को जल्दी से जल्दी conceptual way में आप सभी लोगों के लिए discussion करेंगे. तो बिना late किए हम ये session start करते हैं. पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये पावर पोर सेशन है जहां से हम एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी इज मेंटेन्ड ऑन एनेस्थेसिया विद हैलोथेन. हैलोथेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्थेटिक एजेंट है, आप सभी को पता है. ड्यूरिंग द प्रोसीजर द पेशेंट सडनली डेवलप्ड हाइपरथर्मिया, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन. And muscle rigidity. Which of the following drug is most likely complicated, implicated in this condition? तो आपके सामने option है. पहला D-curare, दूसरा succinylcholinium, तीसरा cisetracurium और चौथा rocuronium. तो डॉक्टर सौरभ प्लीज गाइड टू द स्टूडेंट्स. इसका आंसर से कान डी succinylcholinium है. एक्चुअली जो क्लिनिकल कंडीशन है वो है malignant hyperthermia. तो इसमें मेनली हेलोथेन और अदर फ्लोरिनेटेड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं, वो पॉजिटिव एजेंट है. बट मसल रिलैक्सेंट में सक्सामेथोनियम इज द ओनली एजेंट विच कैन कॉज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर वी आर एडमिनिस्ट्रेटिंग सक्सामेथोनियम. दो इंडिया में इसका इंसिडेंस कम है, बट रिसेंटली इन लास्ट वन डिकेड वी आर सीइंग केसेस ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ऑल्सो. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट सक्सामेथोनियम के अदर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्योंकि हम आईसीयू में और ऑपरेशन थिएटर में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स लोगों को इसके बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत है. बिल्कुल सही, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते ही हैं. और मुझे ऐसा याद आ रहा है सौरभ की हमारे फार्माकोलॉजी में भी ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, रायनोडिन रिसेप्टर, ये सारे क्वेश्चन हमेशा आया करते. एग्जैक्टली, RYR1 जीन म्यूटेशन जो होता है ये बहुत ही कॉमनली एसोसिएटेड है. तो हमारे प्यारे बच्चों फिर से मैं आपको बता दूं, दिल से की हुई दोस्ती और दिल से की हुई पढ़ाई बेकार कभी भी नहीं जाती. हम सभी अंडर ग्रेजुएट टाइम से दोस्त हैं, बहुत पढ़ा करते थे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी ऐसा हमको लगता था, लेकिन आज भी वो अंडर ग्रेजुएट की चीजें हमारे काम आती है. मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हैलोथेन, सक्सामेथोनियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनेस्थेसिया के लिए, फार्मा के लिए, मेडिसिन के लिए. तो क्या हम इसको श्योर शॉट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल दें? एग्जैक्टली सिकंद, अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा तो उन लोग ये भी बोल सकते हैं कि ETCO2 का लेवल सडनली राइज हो गया है या पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आना चालू हो गया है ऑन टेबल, तो ये अदर मार्कर्स हैं, या सडन ऑनसेट टैकीकार्डिया हो रहा है, तो ये अदर मार्कर्स हैं जो कि जिससे हम की मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया सस्पेक्ट कर सकते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो चलिए मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, अ 30-year-old मेल पेशेंट वॉज इंट्यूबेटेड फॉर सर्जरी बाय अ फाइनल ईयर रेसिडेंट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू कंफर्म द पोजिशन ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब. डॉक्टर सौरभ क्या है इसका आंसर? देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन एक सरोगेट मार्कर जरूर हो सकते हैं एंडोट्रिकियल प्लेसमेंट के लिए, लेकिन अगर आप बेस्ट मेथड बोलेंगे तो वो है एंड टाइडल CO2 कंसंट्रेशन, क्योंकि स्क्वायर वेव कैपनोग्राफी से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉनिटर में कि पेशेंट इज करेक्टली, दैट एंडोट्रिकियल ट्यूब इज करेक्टली प्लेस्ड. क्योंकि एक्सरे चेस्ट में टाइम लग सकता है, ऑस्कल्टेशन एक फॉल्स मार्कर हो सकता है क्योंकि ट्रांसमिटेड साउंड आपको एक गलत इंप्रेशन दे सकते हैं. चेस्ट राइज कभी आप इसोफेजियल इंट्यूबेशन भी कर दिया है तो भी एक फॉल्स चेस्ट राइज से आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो एंटीडल CO2 कंसंट्रेशन और कैपनोग्राफी इज द राइट आंसर. तो दोस्तों लॉक कर दें, डॉक्टर सौरभ कह रहे हैं कि इसका बेस्ट आंसर है सी एंड टाइडल CO2 कंसंट्रेशन. इस ETCO2 कंसंट्रेशन के बारे में एक और चीज जो जानने के लिए है कि कोई भी पेशेंट को अगर हम CPR कर रहे हैं और सडनली ETCO2 आना चालू हो गया है, द वैल्यू अगर आना चालू हो गई है, तो वो भी एक मार्कर है कि रिवर्सल हो चुका है स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन का. तो इसलिए CPR करते टाइम पे भी हम ETCO2 का जो प्रोब है हम लगा के रखते हैं उसमें. चलिए बहुत बढ़िया, तो हमारा ये टॉपिक आपका एंटीडल CO2 कंसंट्रेशन, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर टॉपिक देखा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और सक्सामेथोनियम, हमारे एनालिसिस में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट इज द मैनुअल बीइंग परफॉर्म इन द गिवन इमेज.
आप यहां पर इमेज में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहां पर है ए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, बी जॉ थ्रस्ट, सी हेड एक्सटेंशन, डी इन लाइन मैनुअल स्टेबलाइजेशन। डॉक्टर सर क्या इसका आंसर? ऑब्वियसली जैसे कि इमेज पे ही दिख रहा है कि हेड को टिल्ट किया जा रहा है और चिन को लिफ्ट किया जा रहा है, तो ये जो मैनूवर है वो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट है, बेसिक लाइफ सपोर्ट में हम जिसको परफॉर्म करते हैं। हालांकि अगर कोई हाई वेलोसिटी इंजुरी है जिसमें हमें सर्वाइकल कॉर्ड इंजुरी सस्पिशन है तो इसमें हम इस मैनूवर को अवॉइड करके जॉ थ्रस्ट करते हैं, बट इस मैनूवर का जो अभी आंसर होगा वो होगा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। चलिए बहुत बढ़िया डॉक्टर सर, मैंने एक चीज देखी हुई है कि अक्सर कई सारे पोजीशन होते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सर्जरी से, ईएनटी से, मेडिसिन से। मुझे याद आ रहा है जब हम यूजी की तैयारी करते थे तो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन अक्सर आया करता था और आज भी वो क्वेश्चन आ रहा है। एक्जेक्टली ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन होता है, प्रोनिंग होता है, इन सारे पोजीशन के ऊपर पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इन सारे पोजीशन से हिमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रोसीजर के, तो पोजीशन के ऊपर पे ही एक अपना सेट ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब वो एनेस्थेसिया से हो सकता है, सर्जरी से हो सकता है, मेडिसिन से हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन ये पोजीशन आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेडेक, वोमिटिंग एंड फीवर, मेनिंजाइटिस वाज सस्पेक्टेड। बिल्कुल मेनिंजाइटिस का केस है तो आपको हेडेक, वोमिटिंग, फीवर और साथ में नेक रिजिडिटी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। व्हाइल परफॉर्मिंग अ लंबर पंक्चर, Which is the last structure you will pierce just before entering the lumbar sister? Option A है ligamentum flavum, option B है dura mater, option C है arachnoid membrane और option D है pia mater। तो डॉक्टर सर अब क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा C arachnoid membrane। Actually जो spinal tap होता है उसका दूसरा नाम होता है sub arachnoid puncture और भी होता है, तो जैसे कि नाम से एविडेंट है सब एरेक्नॉइड मींस एरेक्नॉइड के नीचे, तो ऑब्वियसली हम एरेक्नॉइड को पंक्चर करेंगे उसके बाद ही हमें सब एरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ मिल जाएगा, तो जिसको हम मेनिंजाइटिस के इवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं। करेक्ट, तो फिर इसका आंसर अल्टीमेटली हमारा सी एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन होता है। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनेस्थेसिया और एनाटॉमी के इंटीग्रेशन का। आप सभी को पता है कि हम लंबर पंक्चर परफॉर्म करते हैं, यस, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो एंड कहां होता है? तो अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो एडल्ट में ये L1 पर, जबकि चिल्ड्रन में न्यूनेट्स में ये L3 पर एंड होता है। ये दोनों अपने आप में MCQ है। एक्जेक्टली L1, हाँ, L1 में और L3 में, जो कि 2 साल की एज के बाद में जो पीडियाट्रिक वाला है वो एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो 2 साल बाद ये चेंज होता है पीडियाट्रिक से एडल्ट में। इसलिए जब हम लंबर पंक्चर करते हैं तो एडल्ट में L1 के नीचे आपको जाना है, L1 L2 जंक्शन में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है इसकी एंडिंग, वेरिएशन खूब सारे होते हैं। तो लंबर पंक्चर एडल्ट में हम L3 L4 जंक्शन पे करते हैं, तो डेफिनेटली चिल्ड्रन में इससे भी नीचे आपको जाना पड़ेगा, तो चिल्ड्रन में L4 L5 में हम लंबर पंक्चर करते हैं। डॉक्टर साहब क्या मैं सही हूं? एक्जेक्टली सही है। एक्चुअली हम इलियक क्रेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और उस लेवल से जैसे हमें इलियक क्रेस्ट मिल जाता है, एक लेवल स्पेस ऊपर जगह जो होता है L3 टू L4, वो आइडियल प्लेस है सब एक्नॉइड पंक्चर करने के लिए। बहुत बढ़िया, तो ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप कौन कौन सी स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं इन सभी के बारे में एनाटॉमी में पढ़ते हैं और हमारे एनेस्थेसिया में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा पांचवा क्वेश्चन कहता है यंग मेल पेशेंट वाज गिवन रीजनल ब्लॉक विद 0.25 बुपिवा कैन फॉर अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। शॉर्टली आफ्टर द इंजेक्शन द पेशेंट सडनली बिकेम अनरिस्पॉन्सिव एंड द पल्स वॉज नॉट रिकॉर्डेबल। Which of the following would be the best course of management for this patient? Option A है CPR with 20% intralipid, B CPR with sodium bicarbonate, C CPR with dobutamine and D CPR with calcium. Doctor sir, अब बच्चों को guide करें। देखिए यहाँ पे दो क्लिनिकल सिचुएशन एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। पहला है कि पल्स रिकॉर्डेबल नहीं है और पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, तो डेफिनेटली ये कार्डियक अरेस्ट का केस है। कोई भी कार्डियक अरेस्ट का केस पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो, द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज CPR और कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन, तो CPR तो डेफिनेटली है। अब जो दूसरी कंडीशन वो ये है कि जो बुपिवाकीन एडमिनिस्टर कर रहे थे वो नर्व रूट की जगह पर इंट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जिसके कारण से लोकल एनेस्थेसिया इंड्यूस सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो ड्रग हम प्रीफर करते हैं वो होता है 20% इंट्रालिपिड, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा CPR विद 20% इंट्रालिपिड।
बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर अल्टीमेटली डॉक्टर सौरभ ने कहा ए, सीपीआर विद 20% इंट्रालिपिड। यहाँ पे बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है कि बुप्रोकेन का मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट क्या होता है, इंट्रावस्कुलर साइड इफेक्ट या सिस्टमिक साइड इफेक्ट। तो वो है कि अगर हम टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं तो वो कार्डियोटॉक्सिक होता है, जो कि बुप्रोकेन की हैवी डोज के कारण से यहाँ पे कार्डियक अरिथमिया फॉलोड बाई कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो हमें ये चीज ध्यान पे रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें काफी सारे अच्छे नॉलेज मिले। तो इस तरीके से हमने नीट पीजी 2021 के सारे क्वेश्चन आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कवर किया है, एक शॉर्ट स्वीट वे में, बहुत ही अच्छे इंटीग्रेशन के साथ, एक हाई लेवल की जानकारी के साथ, डॉक्टर सौरभ चंद्राकर के साथ। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हम फिर से आपसे मिलेंगे। और कैसा लगा ये अच्छा सा प्यारा सा इंटीग्रेशन, डॉक्टर सौरभ चंद्राकर के द्वारा दी गई नॉलेज आप लोगों को क्या लगी? डॉक्टर सौरभ, आप आखिरी में बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो? बस पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए। तो फिर से, दिल से की हुई दोस्ती और दिल से की हुई पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, जुड़े रहिए, आगे भी हम और ऐसे सेशन करेंगे। ये जस्ट एक शुरुआत है एनेस्थेसिया की, इसलिए हम कह रहे हैं वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट। Get the best education with Dr. Shrikant Varma classes. Wish you all the best from my side and also from Dr. Shrikant Varma classes. Namaskar pyare chhatron, main Chetan Bhagat, Dr. Shrikant Varma sir ke sabhi students ko naye saal ki bahut bahut shubhkamnaye aur badhai deta hoon.